हे गाइस, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी आइडिया ले लिया है कि हॉरर स्टोरी लेकर आई हूं, तो पूरा फील लेने के लिए मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी, सिर्फ रिंग लाइट ऑन है। एंड दूसरी चीज ये कि मैंने जो पैसिफाई वाला रिएक्शन लेकर आई थी समय का, तो उसके अंदर करण सिंह ने एक हॉरर स्टोरी बताई थी और आप लोगों ने कहा था कि उसका पार्ट अलग से है करण सिंह के चैनल पे। तो यस, आपकी रिक्वेस्ट थी कि वो जरूर देखो, तो मैं आ गई हूँ देखने के लिए। एंड आप लोगों को भी ऐसी हॉरर स्टोरीज में या हॉरर फुटेज में ऐसा कुछ इंटरेस्टेड है तो प्लीज मुझे लिंक जरूर शेयर कर देना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है हॉरर स्टोरीज, रियल फुटेज देखना हॉरर का, ये सारी चीजें, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप लोग न्यू हो चैनल पे तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट करके बताना कि और किसके वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए है। अगर हॉरर चाहिए तो वो भी मुझे आप टाइटल के साथ मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग ये वीडियो के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग स्टोरी सुनने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यार मैं जाऊंगा फिर से, मेरे पास जगह नहीं बैठने के लिए, प्लीज। चलो, ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, स्टोरी टाइम, स्टोरी, यस स्टोरी, ओके। जिसकी भी फटती, अगर सोनी फटेगी व्हेन गेमर फीडबैक, जिसकी भी फटेगी यू शुड लीव बिकॉज़ इट इज जेन्युइनली अ स्कैरी स्टोरी। लेट मी गो टू द वॉशरूम, मैं बस आ रहा हूं। तो मेरे चार दोस्त दिल्ली में एक जगह छतरपुर उसके एक फार्म हाउस में बैठ के एक नया शो लिख रहे हैं, क्योंकि और कुछ करने के लिए नहीं है। और मैं आपको घर का सेटअप दिखाता हूँ। यहाँ पे एक घर है, पूरी लॉबी है, एक छोटी सी, यहाँ पे एक कमरा है, यहाँ पे एक कमरा है, यहाँ पे एक ड्राइंग रूम है, और हम इस सारे कमरे में बैठे हुए हैं। यहाँ पे बैठ के हम शो बना रहे हैं। जिस बंदे का घर है वो बहुत ही पूजा पाठ करने वाला इंसान, वो पूजा पाठ करने वाला इंसान जिसका घर है, उसने बोला क्या मेरी बहुत फटती है इन चीजों से, भूतों वूतों से, तो कोई ऐसी हम ये बातें नहीं करेंगे, रात के 2:30 बजे ये सब नहीं करेंगे। उन्होंने बोला अरे डरने की क्या बात है, थोड़ी बातें कर लेते मजा आएगा। तो उसने बोला अच्छा, तो मैं इतने और इतना गुदा दिखाना है ना, हम सारी लाइटें बंद कर देंगे, आपको अपना फोन यहाँ छोड़ना है, आपको घर की चाबी, गाड़ी की चाबी सब यहाँ इस रूम में छोड़ना है, और आपको बाहर जो वो हॉल भी है ना उसमें बस 5 मिनट अंधेरे में खड़े होना है बस, और कुछ नहीं करना। और अगर आपने वो कर लिया हम सब मिलकर 10,000 रुपए ईच देंगे, 5 करोड़ थे उसका। क्या हो गया? मैं चैट से बात कर रहा था, मैं चैट से, अरे फ्लिक भाई क्या आई, एक साथ तीन बातों में कह दिया तुमने, मैं स्टोरी बताओ यार, मैं स्टोरी बता। तो उस बंदे ने बोला आपको बस बाहर अंधेरे में खड़ा होना है 5 मिनट के लिए, सब 10,000 रुपए देंगे, तो सबसे स्ट्रॉन्ग, हाँ उसने बोला जो भी बाहर खड़ा हो पाता है सब लोग उसको 10,000 रुपए देंगे, बस 5 मिनट के अंधेरे में खड़ा होना है, फोन अंदर छोड़ना है, चाबी अंदर छोड़ना है सब। एंड जो सबसे बड़ा गुदा वाला इंसान था, जो सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहा था, उसने बोला कि उसको बोला कि तू बोल, तू जाके खड़ा हो, क्योंकि तू सबसे कूल बन रहा था। उसने बोला यार मेरी सुबह फ्लाइट है, ये है वो है, वो कूल बनना शुरू हो गया कि मेरे तो नहीं, मैं नहीं करूंगा। किसी और बंदे पूछा तू कर, उसने बोला कि नहीं भाई मेरे को, मैं सच सच बता रहा, मेरी फटती है। तो मैंने सोचा कि मैं कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, आई विल गो स्टैंड आउटसाइड एंड आई विल अटेम्प्ट दिस। मैंने अपना फोन छोड़ा, मैंने अपनी गाड़ी की चाबी छोड़ी, मैंने अपने घर की चाबी छोड़ी, एंड हमने एक रूल बनाया that agar mereko dar lagta hai, all I have to do is just knock on the door, that is all I have to do, and they'll have to open the door. Aur wo aisa darwaza handle hota hai aise khichne wala, wo handle tha. To main bahar gaya and main khada hua, pehla 1 minute main bilkul yahan wala jo yahan pe is kamre mein hum the, ye wala kamra yahan pe tha, haath maine sar dikha ke main khada ho gaya ki theek hai 5 minute hai kuch nahi hota,
कुछ 30-40 सेकंड हुए थे पीछे मेरे गर्दन पे रोंगटे खड़े होने शुरू हुए, क्योंकि अंधेरा में फटती है कुछ भी कर लो, दिमाग में भी इतना बैठ गया कि फटेगी। तो मैंने थोड़ी सी ऐसे हॉलवे में वॉक करनी शुरू कर, और यहाँ पे जो ड्राइंग रूम था वहाँ पे जरा सी मूनलाइट आ रही थी, मैं उसके पास जाकर जा रहा था अपने आप को बचाने के लिए। 2.5-3 मिनट हो गए थे मेरी आंखों की जो थी अंधेरे को इंस्टॉल हो गई थी, और मुझे थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया था, पहले तो बिल्कुल अंधेरा था कुछ भी नहीं दिख रहा था। देन आंखें वर अकस्टम्ड एंड आई स्टार्ट वॉकिंग स्लोली स्लोली स्लोली। 2.5 मिनट हुए थे अंदर बैठ के, गांडुओं ने सोचा मेरे ऊपर एक प्रैंक प्ले करेंगे, उन्होंने करा अंदर से मेरी भाड़ने के लिए, मेरी फट गई चैन की, और उन्होंने हंसना शुरू हो गया। फिर उन्होंने दरवाजा खोला, हाँ तेरी फट गई, तेरी फट गई, तेरी फट गई। मैं बोला बच्चों मेरी तो नहीं फटी थी, तुमने अंदर से दरवाजा इतनी जोर से उसे दबाना शुरू कर दिया और ये करना शुरू कर दिया। अंदर गया मैं कमरे में, उन्होंने दरवाजा बंद करा, उन्होंने बोला अरे तूने बाहर से दरवाजा मारा है, हमने थोड़ी कुछ करा है। बोला मैंने नहीं करा यार, गांडू मंदिर तुम चारों ने अंदर से दरवाजा मारा है, तुमने खच 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 करा है, तुमने हैंडल खींचा है। एंड आई सेड मैंने नहीं, अरे मैंने नहीं करा, तुमने करा। एंड दिस वेंट बैक एंड फोर्थ फॉर लाइक 10-15 मिनट्स टिल द गाय जिसका घर था जो पूजा पाठ करने वाला था उसने मुझे बोला दैट लिटरली हैड टीयर्स इन हिज आईज, ही सेड मैं कसम खाता हूँ करण हमने अंदर से ना दरवाजा पे मारा है ना हमने खट 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 करे, तूने करा है तो प्लीज बता दे। मैंने बोला भाई मैंने नहीं करा, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं ये सेंटेंस बोल ही रहा था। और हम 5 शॉट अपने कमरे में जो लाइट थी वो जरा सी ऐसी फ्लिकर करती है, एंड वी टर्न टू द डोर एंड द डोर गोज पूरा टाइम, एंड वाइल वी आर इनसाइड द रूम एंड देयर इज ऑल ऑफ अस आर इनसाइड येट द डोर मूव्स। और उसके बाद ये थे रात के 3:30 बजे, 3:30 से रात को 4:30-5 बजे तक वी कुड हियर आउटसाइड समबडी वॉकिंग इन दैट हॉलवे एंड वी कुड हियर फॉर एन आवर एंड अ हाफ। जैसे ही सूरज की पहली गर्मी आई हम सब ने अपनी गांठ हाथ में ली और हम वहाँ से भाग गए, वहाँ से उसके बाद मैं कभी उस काम पर नहीं गया, एंड हमने उसके बारे में बात ही नहीं करी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम नरेटिंग दिस स्टोरी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सुपर, इज अ ट्रू स्टोरी मैन, एब्सोल्यूट ट्रू स्टोरी। गुड, मेरी जो कजिन थी उसको रात को ऐसे घर में पायल की आवाज आती थी रात के 3 बजे। क्या बात कर रही है? हाँ, क्योंकि उसके नेबर पायल बहुत सेक्स करते थे रात को। ये वाला लास्ट वाले वीडियो में भी देखा था। ऑल राइट गाइस, ऑन दैट नोट बाय बाय, लाइक कर दिस स्ट्रीम को एंड हैव अ गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग, बाय बाय। बाहर हमारा जादू किसी के साथ भी लड़ रहा है, हमारा डॉग, ठीक है। एंड यह स्टोरी सच में बहुत हॉरर थी, ठीक है। एंड जिस तरीके से करण सिंह का बताने का तरीका है, इंसान डरेगा और इंटरेस्ट भी पैदा होता है ना। अगर इनके और भी अगर आपको चाहिए है करण सिंह के हॉरर स्टोरीज, क्योंकि मैं तो सुनूंगी, ठीक है, अगर चाहिए तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। और मुझे ऐसा कोई हॉरर वीडियो बताओ जिसको ऐसे देख के गूज़बम्स और एकदम अच्छे से डर लगे, है ना। एंड पता नहीं, एक दो बार जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि एक दो बार एक्सपीरियंस मिले, लेकिन तब भी वो एक अंदर से दिल की चाव होती है ना, वो जाता नहीं है। फिर भी मेरा जो टर्न है ना वो हॉरर स्टोरीज, हॉरर मूवीज, हॉरर सीरीज उसके तरफ ही जाता है, भले ही खुद ऐसे करके करके देखूं, लेकिन देखना ज़रूर है। एंड यस, जाने का टाइम हो गया, लेकिन जाने से पहले वही आप लोगों से रिक्वेस्ट, मुझे तो पर्सनली स्टोरी बहुत पसंद आई है, अगर आप लोग को भी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में एंड सभी के फैंस के साथ में। एंड गाइज, मुझे यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, एंड मुझे यहाँ तक देखने के लिए रियली थैंक यू सो मच। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय। Yeah.